जीजीसीईटी सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए विद्यालय के सभागार में एक संगीतमय समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के संयुक्त निदेशक अनूप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के बच्चों ने सुमधुर स्वर में गीत गाकर किया। विविध वाद्य यंत्रों के साथ संगीत में प्रस्तुति सुनकर सभी श्रमिक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी मजदूरों के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। मुख्य अतिथि अनूप सिंह ने अपने उद्बोधन में श्रमिकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यालय एक परिवार की तरह है और हम सब इसके अंग हैं। सभी कर्मचारी की मेहनत और लगन ही है जो विद्यालय को इतना खूबसूरत बनाती है। उनके श्रम के लिए आभार शब्द बहुत छोटा है। बोल। हमको अच्छा लगे, थैंक यू। 1 जनवरी मजदूर दिवस है, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। हम लोग सब एक परिवार के जैसा रहते हैं, मिलजुल के सारा काम सुरक्षित करते हैं। बस अभिजय जी, आज क्या प्रोग्राम? 1 मई मजदूर दिवस का जो प्रोग्राम हुआ सर, उसमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हरकिशोर जी, मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को जो भी मिला या जो भी हम लोग यहाँ जुटे हैं एक समाज में, प्रोग्राम बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा और बहुत बढ़िया लगा। सब अच्छा लगा और हम सब एक परिवार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, शुरुआत में 1 मई 1886 में अमेरिका में हुआ था। अब इसमें से अभी लागू जो किया चलते रहा आ रहा है 1 मई को 2023 तक अभी चल रहा, ये सब बढ़ते रहेगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको? अच्छा लगे, थैंक यू। हम बात करें स्कूल तो सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ही नहीं बनाता, उसे आप लोग सब लोग मिलकर उसको स्कूल बनाते हैं। स्कूल में कुछ टाइम होता है जिसमें टीचिंग स्टाफ और हम सब लोग नहीं होते, तब भी स्कूल में आप लोग होते, चाहे वो बच्चों की सुरक्षा हो बस में या स्कूल की साफ सफाई हो, कैंटीन